हरे कृष्णा। तो आज हम सभी सीखते हैं दाल फ्राई बनाना, वेज दाल फ्राई। उस वेज दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी दाल लेना है, उस दाल को अच्छे से धोना है और धो करके कुछ देर भिगोने के लिए रख देना है। भिगोने के बाद उसे हमें कुकर में डालना है और साथ ही साथ टमाटर के छोटे छोटे पीस करके उसमें डाल देना है। और एक टमाटर डालना है, नमक डालना है और उसमें 1 गिलास पानी डाल करके उसे कुकर में बॉईल होने के लिए रख देना है। करीबन एक स्लो आंच पे 1 सीटी और तेज आंच पे यदि रखते हैं तो 2 से 3 सीटी करें। उसे बंद कर दीजिए, कुछ देर ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में उसे निकाल लीजिए। अभी दाल फ्राई का हम लोग मसाला तैयार करेंगे। तो मैं दूंगा 3 टेबल स्पून तेल, 3 इसमें जितने भी खड़े मसाले हैं वो आएंगे। इसमें 3 इलायची लिया है, 1 2 इंच का दालचीनी लिया था उसको टुकड़े किया है, 1 तेजपत्ता को 2 टुकड़ा किया है, 1 सूखा मिर्च लिया है उसको 2 टुकड़ा कर दिया है, मैंने आधा टेबल स्पून लिया है हींग, 1 टेबल स्पून लिया है जीरा, यहाँ जीरा है, और 3 मैंने लवंग लिए हैं। तो ये गोटा गरम मसाला के साथ मैं इसको, गरम हम लोग का तेल हो चुका है उसमें मैं डाल दूंगा। थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें 1 चम्मच लगभग 1 टेबल स्पून अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, और डालेंगे चॉप टमाटर। ये 3 टमाटर हैं जो मैंने बीज निकाल के चॉप किए हैं। फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और ये है आपका 1 टेबल स्पून हल्दी, ये 1 टेबल स्पून है सांबर पाउडर, 1 टेबल स्पून है आमचूर पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है नमक, और ये 1 टेबल स्पून है रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे हम मसाले को। और इसमें डालेंगे हम लोग 1 कटोरी पानी, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। इसको धीमे आंच में हम लोग 5 मिनट अभी लीड में ढक देंगे, उसके बाद हम लोग दाल डालेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो ये 5 मिनट के बाद हम लोग हीटर देखेंगे, तो हमारा मसाला तैयार हो चुका है, टोमेटो भी पक चुके हैं। अभी हम लोग दाल को इसमें डालेंगे। आपको ठीक लगे तो आप पानी ऐड कर सकते, बस दाल का कंसिस्टेंसी ठीक है। बहुत इजी है प्योर वेज रेसिपी। आप चावल के साथ भगवान को भोग लगा सकते हैं, और ये एक फुल मील है, ये सबको अच्छा लगेगा।
इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच घी। ये हम लोग इस्कॉन मायापुर का घी है, प्योर घी मायापुर से है, ये हम लोग ऐड करेंगे। ये है हमारे इस्कॉन मायापुर का काउ घी, प्योर घी है। आप लोग कभी भी अगर मायापुर विजिट करें तो अवश्य ही प्योर काउ घी आप लोग संग्रह कर सकते हैं। दाल उबलने तक हम लोग उसको लीड देंगे, और जब तक दाल उबल जाए उसके बाद हम लोग दाल तैयार है। तो हमारी दाल उबल चुकी है, अभी आप देख सकते हैं दाल तैयार है। चावल के साथ, पापड़ के साथ भगवान को आप भोग लगाएं।